नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दाली ब्लॉक से है, दाली उद्यानपुर जो ब्लॉक हैं वहाँ से चाचा जी एक हैं, इनको रिश्वत ली गई है। वहाँ के जो वीडियो हजरात हैं, वहाँ के सरपंच हैं, रिश्वत के अलावा काम नहीं करते हैं, कमीशन मांगते हैं इनको। हम इनसे ही जान लेते हैं क्या किस लाभ में लिखा है कि आप कमीशन, अगर आपको PMAY का मकान देना है, अगर मोदी जी ऊपर से दे रहे हैं, मेंबर हो, सरपंच हो, वीडियो हजरात क्यों नहीं दे रहे, पब्लिक को कमीशन क्यों लेते हैं, ये किस बेस पे ये कमीशन लेते हैं। चलिए, क्या इंसिडेंट हुआ क्या नहीं, बाद में और पूछेंगे। चाचा आप कहाँ से हो? मैं ब्लॉक दाली उद्यानपुर से, पंचायत सील से, वार्ड नंबर 7। वहाँ के सरपंच का शुभ नाम बोलो आप पहले। वहाँ के सरपंच का शुभ नाम, अब उसकी मिसेज काम करती है। पहले वो सरपंच था, अब उसकी मिसेज है सरपंच, तो उसका मुझे खास करके नाम का पता नहीं। पहले वाले का क्या नाम है? उसका नसीर भट्ट। अच्छा, नसीर भट्ट। अब क्या हुआ आपको, क्यों आप मीडिया के सामने आए? नहीं जी, परेशानी है। हम इसलिए मीडिया के सामने आए कि हमने इनको बहुत छंदे किए, ACD दफ्तर में भी गए, वहाँ ब्लॉक दफ्तर में BDO संतोष के पास भी गए, फिर BDO संतोष को मैंने अपने घर पे बुलाया कि BDO साहब ये कोई फ्रॉड नहीं है, देखो हमारा मकान कच्चा है या पक्का है। BDO साहब ने खुद वहाँ पे देखा कि हाँ जी कच्चा है, चलो आप बहुत से पंचायतों में ये नफिर डिलीट हो गए हैं, तो जब लाइन दिल्ली से खुलेगी तो आपको चढ़ा देंगे। 2 साल हमें इंतज़ार करते हुए वो लाइन दिल्ली से नहीं अब तक खुली, हमें ऐसे टिरकाते हैं। चलो जी चलो, पूछा सरपंच को, आपने डिलीट करवाया हमको, ना हमारी कोई नौकरी है, ना हमारी मुलाजमत है, ना हम कोई बिजनेसमैन है। मेरे 2 लड़के हैं, लेह लद्दाख में मजदूरी करते हैं, एक लड़के ने सीमेंट में 2 कमरे बनाए हैं, वो मुझसे लायदा में बड़े लड़के के साथ हूँ, कच्चा हमारा मकान है, देखने के लिए है, ये कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। BDO ने भी वहाँ देखा, 2-3 वो JEE भी उसके साथ थे, ये GRS वगैरह भी थे, तो बोला नहीं जी अब कट गई आपकी सिक्योरिटी। मैंने बोला आज तक क्यों नहीं कटी जब पैसा नहीं आता था, पैसा आया तो अब कैसे डिलीट हो गई? ये सिक्योरिटी नंबर भी मेरे पास कहीं मौजूद है, जो इन ब्लॉक वालों ने पहले ही मुझे लिख कर दिया था कि ये आपकी सिक्योरिटी है। अब गए ACD साहब के पास, हमने बोला ACD साहब ये नंबर कहाँ गायब हो गया? उन्होंने कंप्यूटर पर देखा तो बोलते हैं नहीं जी हमको ग्राम सभा वालों ने लिख कर दिया, तो हमने डिलीट कर दिया। निकाली हमने वो ग्राम सभा की लिस्ट जिस पर उन्होंने, सरपंच ने भी साइन किए थे कि हाँ जी हमारा नाम भी उस पर होगा, डिलीट में भी हमारा नाम नहीं है। अब किसको पकड़ें? सरपंच को बोलते हैं, मैंने भी नहीं, GRS को बोलते हैं, मैंने भी नहीं, सेक्रेटरी को बोलते हैं, मैंने भी नहीं, अब कौन सा हमारा दुश्मन दिल्ली से आया और हमारी सिक्योरिटी कटवाई? आप ये कौन बोलता है ग्राम सभा हुई, ACD डोडा बोलते हैं आप? हाँ, वहाँ कंप्यूटर पे बैठा था कोई, डिलीट हो गई। हाँ डिलीट हो गई। मैंने बोला कैसे डिलीट हो गई? उन्होंने बोला ग्राम सभा वालों ने हमको लिख कर दिया और हमने ये डिलीट कर दिया। ACD डोडा एक बुजुर्ग को बोलते हैं कि आपकी सेक ID डिलीट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डिलीट हो भी जाती है, ACD साहब आप ये ID देख सकते हो, इनको लिखी हुई है, अगर ये ID डिलीट हुई है, ये किसने की, ये ID डिलीट की आपके GRSU ने, ये ID डिलीट की आपके VLW ने, आपके ब्लॉक के ब्लॉक वालों ने ID डिलीट की, इसमें इस गरीब का कोई दोष नहीं है, इसमें इस गरीब का कोई दोष नहीं। अगर आपकी ID डिलीट हुई है, आपकी आप अपने डिपार्टमेंट की गलती एक गरीब पे चढ़ा रहे हो। और मुझे बोलें और कोई का, आप बोले थे कमीशन वगैरह मांग रहे हैं। और जनाब जो हम कार्ड का काम करते हैं, मैंने घर के सामने एक बहुत बड़ी दीवार दी है, हाँ? तो वो पेमेंट भी मुझे नहीं मिली। बोलने लगे अब ये हमने बनाया है, FTO बनाया है, अब पैसा ऊपर से आएगा देंगे। अब 18 में काम किया मैंने, अब तक कोई पैसा नहीं मिला। 2018 में आप काम करते हो, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। वहाँ GRS है, नियाज अहमद डार था उस वक्त, आज उसकी ट्रांसफ़र हुई है, घट ब्लॉक में है, पहले वो उद्यानपुर ब्लॉक में था जिस दौरान में मैंने वो काम किया, तब से हमको ऐसे ही टिरकाता रहा। मेरी बहू घर में थी, 6,000 रुपये उससे लिया, बोलता यही बिल नहीं बना रहा आपका, तो उसको पैसे देने हैं तो फिर बिल बनाएगा, वो पैसे भी ले गया। तो ये कौन ले गया पैसे आपसे? वो GRS ले गए। कितने पैसे लिया आपसे? 6,000।
6,000 आप उस 6,000 किसके लिए दिए? आपने मकान के लिए दिए या वॉशरूम वगैरह के लिए? नहीं, वो दीवार जो बनाई थी दीवार के लिए। हाँ, बोला जे ही बिल नहीं बनाता है, भाऊ से लिए वो पैसे, में घर पे नहीं था। उन्होंने सोचा बिल बनाएगा, हमें पैसे मिलेंगे, ना हमें मिस्त्रियों के मिले ना मजदूरों के मिले, घर के पैसे भी उधरी। 18 की बात है ये, 18 की। हाँ, तब से हम उनके छंदे कर रहे, दो भाई, कोई नहीं बोलते इन्होंने क्या करना है, ये कौन आदमी, इनकी पहुंच कहाँ तक है, कहाँ जाएंगे? आते हैं एसीडी के पास, वो कुछ अपना बोलता है, जाते वीडियो के पास, वो कुछ अपना बोलता है, कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद करें? अब तो धनभाग हैं ये बाली साहब यहाँ पहुँचे, वरना हमारे जैसे गरीब कहाँ दिल्ली पहुँचते और अपनी फरियाद इनको सुनाते। और आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया है, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को सुना। देसराज जी को एक GRS वहाँ का कमीशन लेता है, 6,000 रुपये 7,000 रुपये लेता है, वो भी नरेगा में। वहाँ के ब्लॉक ऑफिस के वीडियो जो हैं, वीडियो हजरात हैं, सरपंच हजरात हैं, बाकी जो VLW हैं, मेरा उन लोगों के लिए मैसेज रहेगा, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के नौकर हो, आपको पब्लिक का काम करना है। आप पब्लिक का ये पैसा जो लूट के खा रहे हो, ये पब्लिक का पैसा है, ये आपको ग्राउंड पर लगाना है। आप किस कानून से, किस लॉ से इस गरीब को कमीशन ली? देसराज जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, RO ये सील से हैं, आपने कमीशन क्यों ली? क्या आप लोगों को सैलरी नहीं है? वीडियो साहब को तो लाखों के हिसाब से सैलरी मिलती है, कहाँ जाती है वो सैलरी? क्यों क्यों आप गरीब लोगों को लूट रहे हो? ऊपर से तो जता रहे हैं, प्रधानमंत्री की आवास योजना जो है, मोदी जी बोल रहे हैं कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल ज़मीनी सतह की बात करें, ज़मीनी सतह पे बिल्कुल ज़ीरो। वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं, जब तक आप 30,000 रुपया कमीशन नहीं दोगे, आपका मकान नहीं चढ़ेगा। आप मुझे बोलो, अगर एक गरीब के पास 30,000 रुपया होगा, वो आपके पास आएगा क्यों? ये जो स्कीम सेंटर से आती हैं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं? ये सवाल मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हैं, DC डोडा से हैं, काफ़ी हमने वेरिफिकेशन की। आप वेरिफिकेशन मतलब जिस ब्लॉक की आपको कंप्लेंट आती हैं, आप वहाँ वेरिफिकेशन पे जाते हो। आप मुझे बोलो फिर वेरिफिकेशन का रिजल्ट क्या वहाँ से आता है? जिस बंदे को आप वेरिफिकेशन पे भेजते हो, वो साहब भी वहाँ से लाखों के हिसाब से पैसा लूट के निकल जाता है। हमने सर SDC को मौका पर लिया, विजिलेंस वाले वहाँ पर आए, वो क्या बोलते हैं बैकवर्ड विलेज प्रोग्राम, उनको भी फरियाद की। एक रास्ता हमारे गांव से बना नाले तक, बोलने लगे मेंबर सरपंच, बोलने लगे ये आपने सूखे में बनाना है, इसके लिए कोई मटेरियल नहीं है। जब हमने बनाया, उसके बाद सबूत हुआ कि इसके लिए बजरी भी थी, सीमेंट भी था, वो पैसा हमें नहीं मिला। मतलब वेरिफिकेशन पे आए थे वो पीछे? आए थे, लेकिन उनको भी कहीं बिठाते हैं, इनकी एक ही बात है, इनका एक ही जुमरा है। उनको भी क्या बोला, हाँ जी वो बैक टू विलेज वाले आए, वो अफसर बोलता है नहीं जी तकरीबन मैंने यहाँ इस पंचायत में अच्छा काम देखा, तो अगर कोई चेक करने वाला आता ना तो वो देख लेता भाई इन्होंने क्या काम किया। ऊपर हमारे पंडित लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके मकान बिल्कुल टूटे पड़े हैं। पहले नंबर पर उनका नंबर होना चाहिए था इस PMAY में, कि जिनके लेंटर हैं, जिनका टीन है, उनका नंबर होना चाहिए था। यानी टीन वालों को दिया जाता है, गरीब को नहीं? गरीब को वो नहीं निकलता है कमीशन। अब आपकी डिमांड क्या, LG इंतजामिया से क्या डिमांड आपकी रहेगी? डिमांड हमारी यही है सर, हमारी फरियाद यही है कि यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। अब बाली साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, आप मीडिया वाले भी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, अगर हमारे बारे में कुछ हो सकता है तो हमारी फरियाद आपके पास है। ACD डोडा के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा, आप ये कुछ ये आप पहले नंबर एक नोट करें, 01100110130046005055। ये ID आप इनको दे दो, ये आपने इनको ID देनी है। और आप इन वीडियो हजरातों को जो आपने पोस्टेज वक्त IAS KAS पोस्टों पे बैठे हैं, इनको रिश्वत खाने के लिए नहीं रखा है, इनको काम करने के लिए रखा है। पब्लिक के नौकर हैं, इनको पब्लिक का काम करना, लेकिन वैसा हमें बिल्कुल नहीं दिखता है।
बिल्कुल वीडियो हजरत जिस ब्लॉक के भी दिखेंगे आपको सिर्फ पब्लिक को लूटते हैं, कमीशन खाते हैं, बहुत सारा मसला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के सामने हम लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डीसी डोडा भी कोई एक्शन करते हुए नज़र नहीं आता है। इतने सारे इशू इन गरीब लोगों के, गरीबों का कौन है? अगर ऊपर से गवर्नमेंट दे रही है, आप क्यों इन गरीबों तक वो हक पहुँचने नहीं दे रहे हो? ऊपर से अगर मोदी जी मकान दे रहे, हर गरीब तक पहुँचना चाहिए, लेकिन आपके ऑफिसर क्यों उसको रोकते हैं? कहाँ से कानून है? कितने परसेंट कमीशन आप लेते हो? क्यों आप कमीशन इन गरीबों को लेते हो? क्या आपको वो सैलरी नहीं मिलती है? क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती है? अगर तनख्वाह मिलती है फिर भी कमीशन क्यों लेते हो आप? चलिए इससे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, इनका क्या इशू है, इनसे बातचीत करेंगे हम। ये कहाँ से है? हाँ, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी आप कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा कोटी से। कोटी से हुआ? क्या मसला हुआ? आप बाली साहब से आज मिलने आए? लड़के 18 बीडीसी में हैं। 18 हैं, मगर उनको कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट कहती है कि हमारी अगर राइफल जाएगी तो 1 लाख रुपया हम ले लेंगे आपसे। तो वो पाबंद हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं काम पर जा सकते हैं, नहीं उधर जा सकते हैं, वो राइफलों के पहरे में हैं। उनको कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। आपके तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको, तनख्वाह मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या हो? वो राइफल अगर गुम हो जाएगी तो। कितने बंदे हैं वो आपके वहाँ? वो 16 की 18 बंदे हैं। 18 बंदे हैं। इनका भी कोई चाचे का वीडीसी का मसला था, साथ ही अब चाचे का कोई वीडीसी का सेक आईडी, दोबारा से मैं एसीडी डोडा को बताते चलूँ, आप आईडी और नोट करें, ऐसा ना हो हमें आईडी निकलवानी भी आती है। और जो पैसा ऊपर से आता है ग्राउंड लेवल पे कैसे लगाना है हमें वो भी आता है, किस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे पैसा लगाना है वो भी हमें आता है। जो भी ऊपर से स्कीम आती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड लेवल पे आप उसे इम्प्लीमेंट करें, कमीशन ना खाएं। बाकी मकान मेरा, अच्छा आपका भी कोई मकानों का इशू है? मकान क्रैक हो गया। मकान दिया आपको? वीडियो वहाँ आया, मौके पर आया, उसने देखा तो उसने कहा जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मकान बड़ा है और क्रैक हो गया। तो आज तक उन्होंने कोई, मैंने उस पर फिर 3 लाख रुपया लगाया खुद, सरी सीमेंट, तो वो डंगा पक्का किया, तो हमारे नज़दीक कोई नहीं आया। इस वक्त मोदी जी का एक सपना है कि हर गरीब को घर देना है, शौचालय देना है, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, वो डंगा सामने है, वो कोई छुपी बात नहीं है। ये कौन सी पंचायत आपकी है? पंचायत कोटी में। कोटी में? ब्लॉक वालों के पास भी गए नहीं? कमीशन मांगते होंगे, रिश्वत मांगते होंगे आपसे? मैं गया ही नहीं किसी के पास, नहीं गया। जब मुझे तसल्ली हो गई क्योंकि वीडियो आया, दूसरा तीसरा सरपंच नंबर, तो जब हमें तसल्ली हो गई तो मैं कहाँ जाता था, किसके पास जाता था? कोई सुनाई नहीं, किसके पास जाता था? जब सुनाई नहीं है, वो डंगा वो दिखता ही है, कोई जेब की बात मत है, उसको सीमेंट सरी, मकान बड़ा था, मकान के आगे ऐसे क्रैक हो गया था, मकान भी क्रैक हो गया था, इस वक्त भी वो सीमेंट उसको लगा है, क्रैक हो गया, मगर उसकी नहीं दिया ब्लॉक वालों ने। नहीं जी नहीं, कोई सुनाई ही नहीं। दो बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, एक कोटी से चाचा जुड़ा है, एक डाली उद्यानपुर से चाचा जुड़ा है, दो हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी यही है कि हमें मकान भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कमीशन मांगते हैं, वीडियोज़ कमीशन मांगते हैं। यार अगर मेरा भी एक सवाल है, अगर आप IAS KIS करके आते हो, अगर आप कहीं किसी पोस्ट पर बैठे हो, कमीशन खाने के लिए थोड़े बैठे हो। ACT डोडा के लिए मैं आप और बोल दूंगा 01001013004600005, ये ID आप जल्द से जल्द इन्हें प्रोवाइड करें, जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड ID होनी चाहिए। अगर ये ID डिलीट भी हुई है वो आपके ब्लॉक ऑफिसरों ने की है, अगर वो ये ID डिलीट हुई है वो आपके GRSM VLW ने की है, इसमें इस गरीब का कोई दोष नहीं है। और जो स्कीम ऊपर से आती है आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने दें, आप गरीबों का हक मत खाओ।
मेरी डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी हैं कि आप जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कीजिए डाली उद्यानपुर ब्लॉक में क्या चल रहा है, और जो देशराज जो हैं उनको सैक आईडी जो डिलीट की है जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड किया जाए और इस गरीब को एक मकान प्रोवाइड किया जाए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ, मैं राहुल शर्मा आपके साथ।